कि मैं पर्सनली इन सभी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। मैंने पहले ही कहा इन सभी खिलाड़ियों के कला स्किल से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, इसलिए मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं ये मुकाबला अपने आप में ये बड़ा ही हाई वोल्टेज का मुकाबला होगा। इसी बीच में जर्सी नंबर 10 पहने हुए खिलाड़ी देखना है, वहां पर गेंद को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे और कुमार हंसता लंबी दूरी से शॉट लगाया था लेकिन गोलकीपर बड़ा इच्छुक नंजनल विहार को कोई दस झूलन को निकल के रहा झूलन दो सीत पहाड़ी रे बेस्ट गोलकीपर रहे मिटे रेंजर साइकिल ले पड़ा होगा और अड़ी होड ओना टूर्नामेंट रे चर्चकित लेकुआ और गाजल मलदारिया जहां तक हम सवाल हम निकल गाजल मलदार टीम रे हमारे उनको खिलाड़ी बिना हुआ ओको दो चलावन बछोर रहे चैंपियन बनाओ रहे अड़ी महत्वपूर्ण हाथ पाए कंत हुआ नियतला रहे नोड़े मुंसा मुंसा और सुबोध उनकान खिलाड़ी के नाम गिन ओको दो सार्जम बेटा चैंपियनशिप रहो चैंपियन बनाओ रहे अड़ी बेहतरीन हाथ ओका दो मुर्मू ब्रदर टीम लगी हमेशा सर्व सर्व योगदान अकिन टीम से कोई की नेमदा और नुआ एनवाईसी आलू गड़ारिया फुटबॉल चैंपियनशिप रिया नोड़े किताब जीतो लगी लगी किन कुरु बटुया गोलकीपर शाहरुख खान बेहतरीन वहां पर साथी खिलाड़ी के लगे इनको आपस में बांट दिया है और इसी के साथ यहां पर मैं समझ रहा हूं कि यहां जर्सी नंबर 12 पहने हुए रांची रामगढ़ के खिलाड़ी मैं समझता हूं थोड़ा सा वो पूरी तरह से वो फिट नजर नहीं आ रहे हैं। भरत सोरेन जो कि टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मैं जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से वो रनअप बनाते हैं थोड़ा सा वो चोटिल और थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चल रहे हैं लेकिन मैच वो जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला है। हालांकि यहाँ पर अजय जमादा बहुत ही सुंदर गेंद को थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश मगर टच लाइन से गेंद बाहर। आज का ये आखिरी मैच दोनों टीम के खिलाड़ियों का जो परछाई है काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसका मतलब है कि ये शाम ढलती समय फुटबॉल के लिए एक अनुकूल मौसम पर और सुखदेव इस टीम के पिछले साल के जो कैप्टनसी का आर्म बैंड पहने हुए थे और बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को कवर किया हुआ है वहां पर लेफ्ट इन के पोजीशन से लेकिन एक बार फिर से गेंद की ओर से टीम के जो फुल डिफेंडर में फुल बैक के पोजीशन से और टीम के कैप्टनसी का भी भार है यहाँ सुनील के लिए और टीम के कैप्टन सुनील के पास गेंद देखना है वहां साथी खिलाड़ियों को पोजीशन को निहारते हुए लंबा शॉट लेकिन यहां पर जो बॉल सही सलामत नोड़े पे मौजूद तो बुढ़ा इसलिए कृपया करके जितने बॉल बॉयज हैं अपने ड्यूटी को बखूबी निभाने की कोशिश करें ईमानदारी पूर्वक और इसी बीच थोड़ा सा वहां पर पीछे रह गए भरत और भरत सोरेन माफ कीजिएगा यहाँ पर जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी रांची रामगढ़ के एक शीतंतु राय फिलहाल अजय जमादार फर्स्ट मैच में अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण दो गोल में शानदार योगदान था एक गोल व्यक्तिगत मारा था और सेकंड गोल में अजय जमादार का 90% का योग असिस्ट था और यहां सुबोध अच्छा पास मुंसा के लिए मुंसा का पास यहां पर और सिकंदर राय का क्रॉस मगर यहां फुल बैक के पोजीशन से गेंद को बिट्टू दास के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया है और इसी बीच में यहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए सेवन ने पास बढ़ाया था अपने ही हाफ में एक अपील जरूर वहां पर रेफरी ने मगर वहां पर नजरअंदाज करते हुए और बिट्टू दास अपने हाफ से काफी तेजी से गेंद को लेकर आगे जाने की कोशिश मगर जब धीरे हुए महसूस किया साथी खिलाड़ी के लिए हल्का सा पास बढ़ाया विशु मुर्मू के लिए फिलहाल 16 नंबर में खेलते हुए सुमन सोरेन और सुमन सोरेन की एक अच्छी चीज मुझे और इसी के साथ यहाँ पर गोल हो सकता है जर्सी नंबर 9 बड़े फुर्ती के साथ गेंद को पेनल्टी एरिया में गेंद को लेकर पहुंच गया है शॉट लगाने की कोशिश जरूर लेकिन गेंद रिफ्लेक्स हो गई और इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को वाली भी इस मुकाबले में खेल का 6वां मिनट प्रगति करता हुआ फर्स्ट हाफ का टीम को महासमर अब इंडिया हीरो इंडियन सुपर लीग चला खिलाती है जिम चैंपियन हैदराबाद एफसी और मुंबई सिटी एफसी 3-3 गोल और उनका नाम
मुकाबला नोड़े मुन्याला नोड़े को रांची रामगढ़ आ रहे गाजल मलदा तलर है बड़ी बेहतरीन शॉट बारकोस की दिशा रहे मगर उड़े जर्सी नंबर 7 फरोख का खिलाड़ी खड़े खड़े आकवा क्षेत्र को 7 सोरेन बोले बचा उठा आ नोड़े विजय धमादार और डीप बेहतरीन मैन खाने में थोड़ा सा चोट लगा था इससे पहले की मैच में बहुत ही सुंदर युधिष्ठिर को एक बार फिर से टैकल किया है लेकिन मोनसा ने वहां पर युधिष्ठिर के लेगन युधिष्ठिर का शॉट काफी आगे गेंद को आगे बढ़ा दिया। मैंने पहले ही कहा दोनों टीम बहुत ही टेक्टिकल प्ले यहां पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए बहुत ही सुंदर यहां पर थोड़ा सा ग्राउंडेड पास मगर यहां पर उतने ही फुर्ती के साथ गेंद को निकाल दिया है और इसी के बीच में वहां पर रेफरी का इशारा हुआ है और संभवतः वहां पर रेफरी ने सही तरीके से अंतिम समय तक खिलाड़ी की एक्टिविटीज को फुटबॉल चैंपियनशिप का ये आखिरी मुकाबला इस शुरुआती दिन का और अफ्रीकी के लिए रांची रामगढ़ की टीम दोनों टीम मेरे फेवरेट है इसलिए मैं दोनों टीम की शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि कहते हैं कि एक कमेंटेटर का धर्म होता है कि हर खिलाड़ी को वो अपना मानते हैं एक नजर से देखते हैं हर टीमों को लेकिन मैं दोनों टीम को इतना पसंद करता हूं कोई भी टीम यहां से हारेगी निश्चित रूप से मेरे दिल को दुख होगा। अगर कहते हैं कि दुनिया का शाश्वत नियम तो यही कहता है कि कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। इसी बीच में यहां पर अजय जमादार गेंद को हॉल करने के बाद साथी खिलाड़ी का पोजीशन को पूरी तरह से वहां भाप लिया और दोनों टीम पूरी तरह से माइंड गेम खेलते हुए शांत वातावरण पूरी तरह से दोनों टीम और जर्सी नंबर 3 थोड़ा सा गेंद को हॉल करने के बाद सनातन मरंडी का क्रॉस लंबी पास। मैंने पहले ही कहा कि जर्सी नंबर 5 सुनील अभी तक मैं आज के दिन में सबसे बेहतरीन आज मेरे दिल को छुआ है ये खिलाड़ी जो कि आज के दिन में अजय जमादार और सुनील को अगर कंपेयर करें तो आज के दिन के सबसे मेहनती सबसे मेहनतकश खिलाड़ी और जर्सी नंबर 10 गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कुमार हंसदा मगर वहां पर थोड़े से गिर पड़े और इस वजह से लंबा गेंद को आगे बढ़ा दिया है। जर्सी नंबर 11 साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश विजय मुर्मू बहुत ही चतुराई के साथ बहुत ही स्पीड के साथ दो तीन खिलाड़ी को छका यहाँ वहां पर विजय ने और वहां पर आगे निकलने की कोशिश दो दो खिलाड़ी उनको रोकने की कोशिश मगर क्या और गीत संगीत में भी उतने ही रुचि लेते हैं जितना कि एक अच्छे रेफरी के रूप में वो जाने जाते हैं। फ्रीकी के लिए एक सुनहरा मौका रांची रामगढ़ की टीम गाजल मल्ला के विरुद्ध और काफी ज्यादा गेंद को फ्लाइट इसी बीच गेंद को साथी खिलाड़ी के लिए अच्छा पास बनाया वहां पर और हाफ लाइन से वहां पर गेंद साथी खिलाड़ी को सरकाने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन लॉन्ग पास के लिए इरादा बदला और अच्छा सेवन सोरेन के लिए पास बढ़ा दिया। सेवन सोरेन सबकी मुंह से आ की आवाज निकल गई कि ये गोल क्यों यहाँ नेट में नहीं अपने आप से यहाँ पर सोचते हुए अजय जमादार के आखिर क्यों गेंद नेट के अंदर लेकिन इसी के साथ सुकंतो हालांकि यहाँ पर भरत का शॉट वहां पर लेकिन वहां मिडिल लाइन में कोई खिलाड़ी आगे नहीं है और गोलकीपर ने आसानी से शाहरुख खान जल्दबाजी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए इनको सरका दिया। नियत लारेन उड़े जर्सी नंबर 8 फरो का खिलाड़ी कहते और टेक्टिकल प्ले नानरगिन मैन के दिन साफ सुथरा निन्न मौज माइंड गेम की गति केड़ा बना लंबी पास नोड़े मैन खा नोड़े तिही जा दिन रे जत को बेहतरीन ओका दो तिही जा प्रदर्शन रे सुनील फुल बैक रे अमूमन एमआरडी फुटबॉल रे जानकारी को जानकार को नोड़े बोल तहन करा अमूमन चिदा जे तायम रन खिलाड़ी दो अडी कम बुन ध्यान को मैन खान को मैन खा दा खिलाड़िया पोजीशन जहां कोगी सूर्य के रोशनी के चमक के साथ तुरंत ही आपको नजर आएगा और दोनों टीम के खिलाड़ियों में 14 नंबर रहेगा तिगन खिलाड़ी विशु मुर्मू लगी अच्छा पास है बनाउल दा हालांकि नोड़े बॉलर है चूकना जर्सी नंबर 3 हाफ लाइन को अच्छा बॉल सप्लाई लहा से मैन खान नोड़े जर्सी नंबर 8 फॉर ऑफ का खिलाड़ी सुखदेव अच्छा बोले रक्षात्मक अंदाज रे बॉल नियत लारे
अड़ी नोड़े गहरा कलर या आरा रो रिया जर्सी को हरा उकाड़ो को जर्सी रे रांची रामगढ़ तिहिजा टीम तिहिजा दिन रे मीटे टीम को दो सेमीफाइनल रे जवान स्टार टीम को दो निया बछोर सेमीफाइनल रे पूरा काम करत आनवा टीम को सेमीफाइनल रे सेटरो लगे बना टीम अड़ी गुरुमटू रे बिना चन रांची रामगढ़ आर चलावन बछोर रे चैंपियन गाजल मलदा रांची चितान रे आक्रमण गोल सुन के चील लगा दे मदे ठीक कुत्ता और कम जा नहीं दिया छी नियतलारे नोडे सुखदेव मेनखान बोले रे चुना नोडे सुबोध है मेनखान नियतलारे नोडे युधिष्ठि बोले चलाओ चुआ खना गोल कीपर झुलन थे नियतलारे नोडे लतार लतार दड़ी मौज शॉट जर्सी नंबर छे रांची रामगढ़ रंग खिलाड़ी छे नंबर रे कोई दो सुखदेव बोल बनाया हाफ को एडी बेहतरीन बॉल है सप्लाई था सुखदेव बोल ये बीच रहे फर्स्ट टाइम उड़े अटैक हर फिलहाल उड़े 16 नंबर हरो का सुमन सोरेन सुमन दो अजय जमादार अड़ी मोइन उड़े छका परम दिया सुमन युधिष्ठि परम चुको गया जरूर नीथो बोले जा रहे रेफन खान उड़े जबरदस्त उड़े टैकल और पूरी तरह से रेफरी ने सिचुएशन को समझा कि यहां पर हार्ड चाप था फुट प्रेस में वहां पर येलो कार्ड दिखाया गया है और आपने गौरव नामित किया है और आपने हक के कला कौशल से सीखने का भी काम हम लोगों को मिल रहा है नियतलारे जर्सी नंबर 6 हरो का खिलाड़ी वकील मरंडे वकील पास रोलिंग अवस्था रहे मेनखान नू कैप्टन तीन पूरे कैप्टन ही पारी तीन बड़ी बेहतरीन है का ठीक है ना झूलन लंबा थ्रोइंग पास झूलन सोरेन हर झूलन ना जो तुम आंजम है कहते हैं झूलन गोस्वामी अपने इंडियन टीम रहे कोई क्रिकेटर होला महंदर को बढ़ाई गया उन्हें महीना की चलान बच अक्टूबर महीना अंदर अंदर की अकोय दो सन्यास से हटा चुके हो कदा मैंने कहा उन्हें झुलन दो बांके ना जबकि नुआ रांची रामगढ़ टीम रहन स्टार गोलकीपर झुलन सोरेन और ऑपरेटर से भी गुजारिश होगा आप लोग थोड़ा सा अपना जो प्लग लाइट है उसको पहले से आप लोग पूरी तरह से तैयार रखेगा और अभी से आप उन सब कामों में लग जाइए क्योंकि जब भी सूर्य की रोशनी अगर कम पड़ेगी और जब सिचुएशन लगेगा कि यहाँ पर कृत्रिम रोशनी का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको पूरी तरह से प्लग लाइट आपको रेडी रखना है ताकि आज का अंतिम मैच में कोई किसी तरह का कोई बाधा ना पड़े खेल में रुकावट ना हो और चूंकि दोनों टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और शॉट तो लगाया जरूर लेकिन यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी को यहाँ पर कूल माइंड से खेलने के लिए रेफरी ने वहां नियतलारे झुलन
और झूलन का ये लंबा शॉट, और अब देखना है रांची रामगढ़ की टीम धीरे धीरे यहां पर आक्रमण को तेज करने की कोशिश में, लेकिन पेनल्टी एरिया में गेंद को वहां ले नहीं पहुंच नहीं पाए। और फिलहाल युधिष्टि फुल बैक से अच्छा खेलते हुए आज अच्छा योगदान दोनों डिफेंडर रांची रामगढ़ के, युधिष्टि का बात करें या फिर सुनील, दोनों ने अच्छा योगदान दिया है। जिस तरह से बिट्टू दास और शिवलाल ने गाजल मलदा के लिए जो योगदान दिया है डिफेंडर से, हडिये तला रन है 14 नंबर जर्सी या शॉट, मैन खान थोड़ा गन साइड से बाहर उड़ को तुलो, खतरनाक एरिया रे बॉल, ओके लॉक लॉकेट शॉट तो है कना, और बना टीम से खोगे नुका आक्रमण हुई कना जे ओका से खो तीन पूरे गोलो आ बुझे बंग जमो कना, हडी बेहतरीन बना टीम पूरे टेक्टिकल रूप रहे बना टीम ने धबी। इसी बीच टीम के कैप्टन के लिए गेंद को पास बढ़ा दिया है नसिया सुनील, बॉल स्लो एरिया है कुरुमुटु बुझा सुनील।